नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। सितारगंज स्थित सिटकुल की जेडस वेलनेस प्रोडक्ट्स लिमिटेड कंपनी में रातों रात अचानक ताला लग गया। वहीं कंपनी में अचानक ताला लगने से हजारों कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है, जिसको लेकर कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। उत्तराखंड सरकार ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। उत्तराखंड सरकार ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। मनमर्जी पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जेडस मैनेजमेंट शर्म। सितारगंज के सिटकुल में स्थित जेडस वेलनेस प्रोडक्ट कंपनी की ओर से अचानक नोटिस चस्पा कर कंपनी में ताला लगा दिया गया, जिससे कंपनी में काम कर रहे हजारों की संख्या में कर्मचारियों ने कंपनी के गेट के बाहर मैनेजमेंट के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। वहीं यूनियन के प्रदेश सचिव ने कहा कि कंपनी की ओर से मनमानी की जा रही है, जिसका सभी यूनियन के पदाधिकारियों और कंपनी में काम कर रहे कर्मचारी पूरा विरोध करते हैं। ऐसे में जहां एक तरफ उत्तराखंड सरकार कहती है कि उत्तराखंड के युवाओं के लिए औद्योगिक संस्थानों में 70% रोजगार दिया जाएगा, तो वहीं रोजगार देने के बदले औद्योगिक संस्थानों में से कंपनियों का अचानक बंद हो जाना कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार के ऊपर सवाल खड़े करता है। सिटकुल औद्योगिक संस्था सितारगंज की जाइडस वेलनेस कंपनी को अचानक रातों रात बंद कर दिया गया है, जिसके चलते हुए लगभग यहाँ 1200 से 1400 जो कर्मचारी लोग हैं वो जो है बेरोजगार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ तमाम जो लोग हैं उन लोगों ने यहाँ गेट के बाहर से यहाँ धरना प्रदर्शन कर दिया है, जिसके चलते हुए यहाँ तमाम लोग हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि कंपनी को ये कंपनी बंद करनी पड़ी। हमारे बीच में कुछ प्रदेश सचिव है, उनसे जानेंगे यूनियन के कि आखिर क्या रहा रातों रात ऐसा कि कंपनी को नोटिस करके इस कंपनी में ताला लगा दिया गया। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जिस तरीके से कंपनी को किन कारणों के वर्ष बंद किया कि रातों रात इसमें ताला लग गया? कंपनी ने अपनी मनमर्जी करते हुए यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से बंदी कर दी है। ये कंपनी की मनमर्जी को दिखाता है। कंपनी ने किसी भी तरह की कोई कानूनी जो सलाह है उसका पालन नहीं किया। भारत के देश के और उत्तराखंड राज्य के लेबर लॉ का कोई पालन किए बगैर ये कंपनी भाग गई। किसी प्रकार का आप लोगों द्वारा उत्तराखंड सरकार की बात करें चाहे प्रशासनिक अधिकारियों को किसी प्रकार का कोई ज्ञापन दिया गया? नहीं, कंपनी द्वारा किसी को भी कोई ज्ञापन नहीं दिया गया अभी तक। और ये जो है उन्होंने अपने शाम के टाइम पे अपने मनमाने तरीके से जो है ये तानाशाही का एक अद्भुत नमूना जो है प्रदर्शित किया है। और कंपनी का जैसा ये कहना है, इसमें साफ साफ लिखा है जिस तरीके से कि जो है आर्थिक मंदी की वजह से हम लोग इस चीज़ को बंद कर रहे हैं, तो मेरा ये सवाल कंपनी से है, अगर आर्थिक मंदी चल रही है तो वो दोनों प्लांटों में होनी चाहिए। अगर आपका कॉम्प्लेन बंद है तो भाई अलीगढ़ क्यों शिफ्ट किया, वहाँ भी बंद होना चाहिए जब आर्थिक मंदी चली रही है आपकी। तो हमने जब 10 से 12 साल इस कंपनी को दिए हैं, कोविड के दौरान जो है जान पे जोखिम पे खेल के यहाँ पे लोगों ने अपना 100% दे के इसके प्रोडक्टिविटी को ऊपर पहुँचाया, और आज जो है इस तरह की जो हरकतें हैं ये मैनेजमेंट जो है अगर आम इंसान के साथ करेगा तो कैसे चलेगा। और अगर ये पूर्व बता दें तो बंदा जो है कोई भी, जैसे यहाँ पर काफ़ी एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो बेचारे जिनके माँ बाप बूढ़े हैं, अभी आपदा आई थी उत्तराखंड में, कितनों के घर बह गए, कितनों ने लोन लिया है यहाँ पर, कितनों के बच्चे हैं छोटे छोटे जो पढ़ने वाले हैं, कितनों के जो है मकान अभी बन रहे हैं। अगर ये कंपनी जो है अगर उनको पहले ही एस्टिमेट होता कि भाई ऐसा है, अगर वो सूचित कर देती तो क्या वो बंदा लोन लेता? नहीं लेता। अब कहाँ जाएंगे ये बंदे, बताइए आप। मैनेजमेंट अगर आपकी मांग नहीं सुनता है तो क्या क्या आगे रणनीति रहेगी, किस तरीके का वो रहेगा विरोध? ये धरना तब तक चलता रहेगा तब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं, जब तक माननीय न्यायालय को तरफ जाएंगे हम, जब तक हमारा ये धरना तब तक चलता रहेगा। यही हमारा टेंट लगेगा, यही हमारा खाना होगा, यही हमारा पीना होगा। रातों रात इस कंपनी को बंद कर दिया गया है। मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ हजारों की संख्या में इस कंपनी में लोग कार्यरत है, और जिस तरह से यहाँ महिलाओं की बात करें चाहे बुजुर्गों की बात करें तो हर व्यक्ति की रोजी रोटी इस कंपनी के माध्यम से चलती थी। अगर वहीं हम कोरोना काल की बात करें, पिछले 2 साल पहले कोरोना काल रहा है, उसके बाद भी यहाँ के कर्मचारियों ने जी जान लगाकर इस कंपनी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन आज
कंपनी के मैनेजमेंट द्वारा रातों रात इस कंपनी को चस्प पर नोटिस लगाकर इस कंपनी में ताला लगा दिया गया है, जिसके चलते हुए यहाँ तमाम कर्मचारी लोग इस कंपनी के गेट के बाहर से धरने पर बैठे हुए हैं। और इन लोगों की सीधे तौर पर मांग है कि अगर सरकार और मैनेजमेंट अगर इनकी बात अगर नहीं सुनती है तो आगे इनका आंदोलन जारी रहेगा। राकेश जोशी, न्यूज़ 13 उत्तराखंड के साथ सितारगंज।